प्रॉन एंड चिकन। हमने सबसे पहले ये लगा देना है ब्लेड, क्योंकि अगर मैंने इसके बगैर चीजें डाल दी तो चीजें दोबारा वापस निकालनी पड़ेगी। तो आपने ये डाल के, और वैसे हमने एक दफा किया था, हमने तो ब्लेड ही बाहर निकाल दिया था। अच्छा, मैंने देखिए धनिए के साथ जो है ना उसकी स्टेम भी ली है। ये मेरे पास गार्लिक है जिसको मैं पूरा नहीं डालूंगी, ये थोड़ा ज्यादा है तो हम इसको थोड़ा सा इसमें से हाफ, और ये चॉप हुआ है, नहीं बल्कि आपने इसको चॉप हुआ हुआ है। और ये जनाब आपके पास कुटी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च हमारी फेवरेट, हमने डाल दी। साथ मेरे पास जो है तेल भी मैं थोड़े से इसमें डाल दूंगी। अच्छा, लेकिन जब मिक्सचर पूरा रेडी हो जाएगा ना उस वक्त मैं इसको अपने हाथ से सॉफ्ट इसको जरूर मिक्स करूंगी। क्या ये काली मिर्च मैंने थोड़ी सी डाल दी है। देखिए ये 500 ग्राम का इक्विवेलेंट जो है वो आपका टोटल मीट है जिसमें प्रॉन और चिकन है सारा मिक्स हुआ हुआ है। ये देखें ये वही जो हमने चॉप किया हुआ था अपना काफी लाइन। और अब मैं आ रही हूँ नमक की तरफ, और मैं इसके लिए उठाऊंगी सबसे छोटा वाला मेरा जो स्पून है जिसे आप 1/4 टी स्पून कहते हैं, ये जी हमने लिया और ये हमने इसमें डाल दिया। ये हमारे पास कॉर्न है, ये भी जो है वो हम डाल लेते हैं हाफ तकरीबन, समझ लें 1/4 कप के बराबर। अच्छा, ये मैंने थोड़े बचा लिए, ये ज़्यादा है। अच्छा जी, अंडा है, नाउ इट्स टाइम फॉर अंडा। अब जो है वो इसको हम क्रैक कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये गुड एग है और या बैड एग है। तो ये जी गुड एग है, ये जा सकता है। अब क्या कहते हैं आप इसको, इसका मुझे ये कवर करना है? नहीं, मैं ले जाती हूँ इसको, शेफ को भरोसा ही नहीं है बिल्कुल। नहीं, मैं ब्लेंड कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं। इट्स ओके, हमारी शेफ जो है इसको ब्लेंड करेंगी। क्या कहते हैं आप मुझे जो है वो थोड़ा सा पानी भी ला दें ताकि मैं इसको हटा ही देती हूँ। हटा दीजिए उसे। तो मैं पानी लेके आ गई हूँ आपके लिए। अच्छा, इसमें तो आप वो रखेंगी पैन? नहीं, मैं इस पर रख देती हूँ ये, ठीक है ना? ठीक है, इसको तो हम ऑन कर लेते हैं। हमें जो है वो सिंपल क्या करना है, अपने पाम्स को हल्का हल्का सा वेट करना है, बल्कि अगर मैं फिंगर्स को भी वेट कर लूँ तो बस ये काफ़ी होगा इसमें। अच्छा, डालने के लिए जी। देखें आप कितना अच्छा, आपका कोई जल्दी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ईच एंड एवरी फ्रिटर इज फ्राइंग एट इट्स ओन पेस। और ये हमारे बड़े मज़ेदार से पकौड़े तैयार हैं। आप इस पे बिल्कुल भी चाट मसाला मत डालिएगा प्लीज़। ये मेरी रिक्वेस्ट है, इसको बगैर ना कीजिएगा इस महंगी रेसिपी जी बिल्कुल। इस पे जो है वो बिल्कुल भी चाट मसाला नहीं आएगा। इसको आप जो है, हमने चिली गार्लिक सॉस देखें हमने निकाल के रखी हुई है, आप स्वीट चिली, थाई चिली, किसी भी जो है वो ब्रांड की अच्छी क्वालिटी की चिली गार्लिक सॉस, आप इस तरह की सॉसेस जो है वो यूज़ करें तो ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेंगी जी। ये बेहतरीन सा कलर फूले हुए मजेदार बिल्कुल। और आप देखिए कितना अच्छा जो है वो ये राइस भी हुए हैं। मैंने कोई इसमें किसी भी किस्म का जो है वो राइजिंग एजेंट नहीं डाला, ये बस ये